फेविक फेविक, फेविक लगी है, इसको भी छुड़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला गर्म पानी में हाथ डाल के बैठना पड़ेगा ओके okay भाई सो so फाइनली अपना जो बॉन क्रिएटर है भाई वो फ़िट हो गया है आ, इसके कनेक्शन भी जो है वो मैंने सारे फ़िट कर दिए हैं सो so एक बार इसको जला के दिखाता हूँ आपको कि कैसी सी लोग आ रही है भाई मैंने तो जला के देख लिया मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है यार? मैं तो बहुत दुखी सा चल रहा भाई, एक चैनल क्रिएट करा था शॉर्ट चैनल था ठीक है बट भाई दो दो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एंड ऐसी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पता किस चीज़ की न्यूडिटी की भाई माँ कसम इतनी हसी आती है एंड डिस्प्यूट डालने के बाद वो डिस्प्यूट जब कैंसिल हो जाता है ना एक लाख सब्सक्राइबर वहां पे होने वाले थे और अपना चैनल होने वाला है टर्मिनेट अब सिर्फ और सिर्फ पांच दिन निकाल लें अगर वो पांच दिन निकल जाते है तो एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हट जाएगी और फिर चैनल थोड़ा सा बच सकता है बाकी लेट्स सी लेट्स होप क्या होता है सो गाइज आप देखते हैं आप हम, हमें हमेशा देखते हैं यहां पे एक वीडियो शूट करते हुए तो मैं मोस्टली यहां पे अपना कैमरा रखता हूँ और मैं यहां पे बैठता हूँ ठीक है और भाई कुछ पीछे की जो वॉल है ना वो बिल्कुल ब्लैंक सी लगती है तो मेरे को वो चीज बहुत ही ज्यादा खटकती है तो आई थॉट कि यार इसको कुछ डेकोरेट कैसे करा जाए कुछ अलग सा करते हैं so सो मैं काफ़ी सारे लोगों के देख रहा था आजकल न्योन लाइट्स का बहुत तगड़ा फैशन चल रहा है सो so तुम्हारा भाई भी दो कलर की न्योन लाइट लेकर आया एक लेकर आया पिंक और एक लेकर आया बिल्कुल लाइट ब्लू सा एंड वट आई एम थिंकिंग इज कि ऐसे बॉर्न क्रिएटर बॉर्न कैपिटल में और नीचे क्रिएटर कर्सिव के अंदर लिख के दो अलग अलग है ए वाली ऊपर वाली पिंक और नीचे वाली लाइट ब्लू कलर की लाइट uh, जो है हमारी नियॉन वाली उसको लगाएंगे एंड भाई यहाँ पे इतना ह्यूमंगस मतलब ऑलमोस्ट यहां से लेके यहां तक ऑलमोस्ट कितना होगा ये चार फीट साढ़े चार फीट के आसपास होगा इसमें अभी आर में भी यहाँ पे एक डिजाइन सा काटना है ताकि थोड़ा सा और अच्छा लग गया है so, सो इसको मैं करने वाला हूँ ब्लैक और ब्लैक के ऊपर फिर पिंक लगाते हैं डी करने वाले हैं कि भाई घर पे आप लोग कैसे कर सकते हो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओके सो अपना जो बोन है वो बन चुका है एंड इसको मैंने ब्लैक कर दिया सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि पीछे मैं इसमें ना एक इंची के स्पेसर देके कुछ इस तरीके से रखाऊंगा इसको हम ऐसे लगाएंगे एंड इसके ऊपर जो है फिर लाइट लगेगी तो अगर लाइट नहीं भी जल रही होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बोन है ये बहुत ज़्यादा हाई होगा एंड ये खुद बना हुआ है ये पता चल रहा है कटिंग वटिंग देख के भाई इसको काटने में हालत टाइट, मतलब टाइट हो गई मतलब लिटरली हालत टाइट हो गई बहुत बुरा हाल हुआ था क्योंकि बोर्ड इतना ज्यादा मोटा था कि कैंची चलाते हुए भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी सो so, इस वाले जो बॉर्न है उसके ऊपर हम लगाने वाले हैं पिंक कलर की जो लाइट है वो और वो तकरीबन तगड़े तरीके से फिर हाईलाइट होगी एंड नीचे वो टाइम थिंकिंग कुछ ऐसा सा राइट पूरा ऊपर बॉन और ऐसा क्योंकि वाइट कलर की वॉल है तो ऐसे एक पूरा ऊपर ब्लैक कलर का पट्टा एंड इसके अंदर क्रिएट उसमें कर्सिफ के अंदर पूरा रनिंग अच्छा लगेगा ओके सो ऑलमोस्ट आफ्टर एक घंटा और भाई बहुत सारा हाथ खराब अगर आप देखोगे सारे हाथ पे ऐसे फेविक, फेविक, फेविक है। इसको भी छुड़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला गर्म पानी में हाथ डाल के बैठना पड़ेगा ओके सो फाइनली अपना जो क्रिएटर है भाई सी आर ई ए थोड़ा सा डिफरेंट बना कुछ अलग सा फ़ॉन्ट यूज करा है मैंने क्रिएटर में आर फिर ऐसे एंड देन अपने पास लाइट बच गई थी तो मैंने नीचे जो आउटलाइन है उसकी ये दे दी है ये लाइट ऑलमोस्ट पाँच मीटर की लाइट है एज़ पर द बॉक्स एंड आप समझ सकते हो कि यार पाँच मीटर इज लाइक ऑलमोस्ट सिक्सटीन एंड हाफ फीट तो कितनी कितना बड़ा ये बोर्ड है अब ये देखो दो टेबल को ऑलमोस्ट ये जो है कवर कर रहा है सो so, अब मेन जो क्लेश पड़ेगा वो पड़ेगा भाई इसको फिट करने का क्योंकि ओह भाई साहब दिमाग खराब हो गया ऑलमोस्ट कितने देर लगे तीन घंटे लग गए प्रोपरली सेट करने में इसको एंड अब मेन इसका सेट करना है दीवार के ऊपर तो दीवार करने में कैसे सेट होता है वो अब देखना पड़ेगा ओके सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि यार मैं ये स्पेसर लेकर आया हूँ ठीक है ये स्टील के स्पेसर आते हैं ग्लास वगैरह में मोस्टली ये यूज़ होते हैं एंड uh, इससे एक तो प्रॉपरली एक इंची का गैप मिल जाएगा हमें एंड ये फ्रंट पे सामने आ जाएगा तो स्क्रू नहीं दिखेगा सिर्फ ये पार्ट दिखेगा जिसकी वजह से जो इसकी लुक है वो बहुत सही होने वाली है बट इनको ठोकने के लिए भाई अपने को करना पड़ेगी यहाँ पे ड्रिल सो लेट्स गो लेट्स डू दिस एंड करते हैं मार्किंग हमने कर दिया है जो हमारे तीन छेद हैं उनकी मार्किंग कर दी है सो so, तीन नीचे तीन ऊपर हम ऐसे करके लगाएंगे इसको तो भाई स्क्रू तो हो गए गिट्टी पेज थोकते हैं एंड देन लगा के देखते हैं कि कैसा लग रहा है ओके okay, सो so, अपना जो क्रिएटर है भाई वो यहाँ पे लग गया है एंड कुछ हद तक तो इसकी लुक ऐसी आ रही है सो so, तीन स्पेसर uh, मैंने जो ड्रिल करे अभी उसको लगा दिया एंड दे लुक रियली नाइस जब आप ये चीज़ लगाते हो तो इसकी वजह से आपको जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है एंड अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ है तो ये टूटने के आसार नहीं है ये ऊपर नीचे हिल सकता है ईजीली अगर मैं कील ठोकता कोई इसको खींचता तो ये टूटने के आसार रहते बट इसके अंदर ऐसा टूटने का आसार कहीं नहीं है so, सो अब ऊपर बोन फिट करते हैं देन लाइट जला के आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है ओके okay, भाई सो so, फाइनली अपना जो बोन क्रिएटर है भाई वो फिट हो गया है uh, इसके कनेक्शन भी जो है वो मैंने सारे फिट कर दिए सो so, एक बार इसको जला के दिखाता हूँ आपको कि कैसी सी लोग आ रही है भाई मैंने तो जला के देख लिया मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है वैसे आपको लगा हुआ कैसा लग रहा है यार अगर हम ऐसे शूट करेंगे सपोज़ यहाँ पर हमारा कैमरा होगा और यहाँ सामने क्रिएटर जल रहा होगा और यहाँ पर मैं बैठा देन कुछ अल्टीमेट सी लुक आएगी भाई पीछे मेरे को बहुत खाली खाली लग रहा था सो so, इसको जलाते हैं और जला के आपको लुक दिखाता हूं। कैसा लग 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 रहा 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 है 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 भाई लोग सही लग रहा है, नहीं लग रहा है यार एक बारी बताओ मुझे तो बहुत अल्टीमेट लग रहा है यार इसको एक बारी ठीक कर देते हैं ताकि हमारे जो गद्दी वी है वो एक्चुअल में जो लुक है भाई वो प्रॉपरली पता चल सके मैं एक बारी आई एस सो कम करता हूँ ताकि आपको असलियत में जो असली लुक है ये वाली वो भाई आप लोगों को पता चल सके सो इसमें मेरा खर्चा क्या आया भाई खर्चा आया अगर लाइटों की बात करें तो साढ़े तीन सौ रुपये की एक लाइट है पाँच मीटर की तो साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ सात सौ रुपये का खर्चा ये गत्ते वाले बोर्ड लाया था मैं बीस बीस रुपये के तो चार बोर्ड मेरे इसके अंदर लगे तो अस्सी रुपये वो सात सौ अस्सी एक सौ अस्सी रुपये के मेरे ये स्पेसर आए हैं तो आठ सौ अस्सी नौ सौ साठ और 960 के बाद मेरा ब्लैक पेंट जो मैंने इस पर मारा वो आया है कितने का आया है वो एक सौ का नौ और एक सौ एक हज़ार नब्बे सो भाई ग्यारह सौ रुपये लगे हैं तुम्हारे भाई के और ग्यारह सौ रुपये में मैंने ये जो बोर्ड है ये पूरा का पूरा तैयार कर दिया जो लुक है ये मैंने पूरी की पूरी तैयार कर दिया अगर मैं एक्चुअल में मैं ये जो साइज़ है ऑलमोस्ट चार फीट बाय ऑलमोस्ट तीन फीट का ये मैंने पता करा था पूरी दो लाइटों के साथ तो मेरे को कोई बंदा आठ हजार बोल रहा था कोई बंदा दस हजार बोल रहा था कोई बंदा बारह हजार बोल रहा था पर वो पीछे एक रिलिक शीट लगा के देते इवन भी मुझे कोट करा गया सो पन्द्रह हजार के मैंने जो काम है वो हजार रुपए में कम्पलीट कर दिया बाकी अगर मैं यहाँ से टाइम तो यार दिखाऊलमोस्ट ग्यारह बजे की सुबह के ग्यारह बजे मैंने करना शुरू करा था और भाई रात के बच चुके हैं ग्यारह ये करते करते कैसा लग रहा है इट्स नाइस nice. मेरे को इवान कह रहा था पापा आप बॉन क्रिएटर को लिखवा रहे हो आप एक लाइन में नीचे बॉन क्रिएटर लिखवा दो और ऊपर इवान स्टोरीज लिखवा दो है ना एक कलर से है ना दैट वुड बी रियली नाइस राइट